ठिक दे जोर नाल करी दी है गल बात इक्की दुक्की मूरे कदी तत्ती ना खंगने चक जदो गल नू मैं निकला जी करो बार करा बाका उरे न्यूज फैल जे लंडन मुंडे करी जांदे काम ओही हुंदे जेडे पैर नी एरिए दे गेंग सानू पाजी पाजी कहने नी रख दे मसाले इता बैर लाच तुन के ना ना जी सोने दे हाँ जी कहने नी गुणती तूफाना दी है नेरिया ने पाले बिलो जिथे पैजे पेचा गेम कारे देने डन। Good morning everyone, welcome back to another video of Achakni Vlogs. This is me Aditya Patel. I hope all of you are doing absolutely fine. तो जी अभी बजे हैं सुबह के 6:30 एंड इट इज़ संडे मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग में क्या होता है ये सब तो आप सबको पता ही होगा। As you can see, here is our beautiful bike Hayabusa और ये रही the key to happiness. So अब ऐसे करते हैं भाई, सबसे पहले बाइक को करते हैं वार्म अप, कैमरा एंगल करते हैं सेट। एंड आज मैं पहली बार जो है गोप्रो का सेटअप ट्राई कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग में। सो बाइक को वार्म अप करते हैं और फिर चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। और आज एक छोटा सा धोखा हो चुका है अपने साथ, सो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको आगे वीडियो में बाइक राइड करते हुए। सो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे चलते हैं बाइक के ऊपर। तो जी कैमरा एंगल हो गया सेटअप एंड आई गेस इट इज़ राइट एंगल। और अब जो है बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट एंड लेट्स सी क्या बात है। जी क्या बात है भाई, मैं बाइक जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ और हाफ सेल्फ में गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। बाकी उम्मीद थी नहीं मुझे, आई थॉट कि एक दो सेल्फ लेगी, बट बैटरी जो है वो हमने रिसेंटली रिप्लेस करवाई थी तो सेकंड में मतलब स्टार्ट हो गई है। एंड कैमरा एंगल का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि गोप्रो पे मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और ना ही आइडिया है माइक का। आई होप कि साउंड जो है वो क्लियर आने वाली है, सो ये भी आज टेस्ट करेंगे। बाकी बाइक थोड़ी सी गर्म होने देते हैं, तब तक अपने ग्लव्स वगैरह जो है वो डाल लेते हैं एंड फिर चलते हैं बाइक को लेके राइड पे। सो लेट्स गो। हाँ, इतने टाइम के बाद मतलब बाइक राइड करने का मजा ही अलग है। क्या कहने जी, क्या कहने भूसा के। भाई आंधी तूफान की तरह ये बाइक जा रही होगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मतलब जो लोगों के आसपास से मैं पास बाय कर रहा हूँ उन्हें तो ये लग रहा होगा कि कोई जेट उतर गया है सड़क पे। एंड सुबह सुबह सड़कें जो है वो खाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट राइड कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में कर रहा हूँ। एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा पुश लेता हूँ, मान लो ये सड़क खाली है तो ये चेक करो। तो बस इतना सा पुश लो भाई बाइक के साथ, बाइक जो है वो आपकी अच्छी खासी स्पीड पकड़ जाती है। एंड सड़क पूरी खाली थी, उसके बाद जैसे ही हम थ्रॉटल छोड़ते हैं तो ये बाइक जो है वो अपने आप स्लो डाउन कर जाती है, बिकॉज इसमें जो है ना इंजन ब्रेकिंग बहुत सुपर्ब होती है इन बाइक्स में, उसकी वजह से जो है ये स्पीड बहुत जल्दी ड्रॉप करती हैं। सो मैं ज़्यादा फास्ट राइडरों में से हूँ नहीं भाई, मतलब फास्ट ठीक है कभी कभी फ़न लेने के लिए, जैसे सुबह सड़कें खाली हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं इरिस्पॉन्सिबल राइडर हूँ जो कि भगाता जाए या रैश ड्राइविंग करे। सो वो चीज़ मैं प्रमोट नहीं करता। अगर ट्रैफिक हो या कुछ हो तो मैं बहुत ही सेंसिबली राइड करता हूँ। अब जैसे एक खाली सड़क है तो इसके ऊपर स्ट्रेच लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी क्या बात है, आज तो चंडीगढ़ की सड़कें जगा दी। मतलब लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कौन सा बदमाश बच्चा निकला हुआ है सड़कों पे जिसने धमाल मचाई हुई है। बाकी यार चंडीगढ़ की खूबसूरती चेक करो एक बार,
मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मोटो व्लॉग ही अगर करना हो ना तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस अगर आधे घंटे का भी व्लॉग बना दूँ तो वो शायद कम है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी रुकने की जरूरत नहीं है भाई, ना सड़कें खराब है ना ट्रैफिक है। सो जो लोग मेरी वीडियो दिल्ली और बॉम्बे से देख रहे हैं, आई फील सॉरी फॉर यू गाइज, मतलब देख के बुरा लगता है भाई जब आप अपनी लीडर क्लास बाइक्स या ऐसी सी बड़ी बाइक्स को लेके ट्रैफिक में फंसे हुए होते हो। सो वो चीज़ देख के आई कैन फील द पेन ब्रो, आई कैन फील द पेन। वाओ ये व्यू चेक करो यार, दोनों तरफ पेड़ हैं और बीच में सड़क एकदम खाली, क्या ही मजेदार व्यू है भाई, क्या ही मजेदार व्यू है। क्या बात है, मतलब ये बाइक पे मेरा इतना अच्छा हाथ सेट है, टच वुड भाई, इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया, आज तक कभी नहीं हुआ कि भूसा ने मुझे डिसअपॉइंट किया हो। एंड कुछ लोगों का कंट्रोल इस पे नहीं बनता बिकॉज इट्स अ हैवी बाइक एंड अ वेरी डेलिकेट मशीन टू कंट्रोल, बट अपना हाथ जो है भाई वो पूरा सेट है इस बाइक पे। एंड जो कहते हैं ना कि उंगलियों पे नाचती है बॉस, उंगलियों पे। बाकी भाई आज अपने साथ हो चुका है छोटा सा धोखा, और धोखा जो है वो क्या हुआ है, कल रात तक सारे ग्रुप की प्लानिंग थी कि सुबह राइड करेंगे, सारे ग्रुप की नहीं मतलब काफ़ी सारे 5-6 लोगों की प्लानिंग थी, धीरे धीरे करके एक एक मुकरते गए, और आज सुबह लिटरली भाई उठे ही नहीं मतलब सब सो रहे हैं, एंड मैं जो है वो उठ गया था, एंड मैंने राइड जो है वो बहुत टाइम से नहीं करी थी। सो एक रीज़न तो था कि बहुत टाइम से बाइक नहीं चलाई, तो बाइक चलानी भी ज़रूरी थी, और दूसरा रीज़न ये था कि हमने आज से पहले गोप्रो की टेस्टिंग नहीं करी थी मोटो व्लॉग पे, सो वो टेस्टिंग करनी भी ज़रूरी थी बिकॉज मुझे नहीं पता कैसी वीडियो कैप्चर होगी कैसी ऑडियो होगी, सो ये चीज़ भी हो गई है। एंड तीसरी चीज़ है भाई अपने खुद के माइंड की सेटिस्फैक्शन, बिकॉज द थिंग इज़ कि सारा टाइम यार हम देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी होते हैं, एंड बाइकिंग फॉर मी पर्सनली इज़ समथिंग लाइक जिसे कहते हैं ना आपका एक छोटा सा वीकेंड एस्केप, मतलब आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाता है। एंड वो कहते हैं ना कि कोई भी एक शौक या कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद हो लाइफ में वो आपको एज अ हॉबी करनी चाहिए, सो आई जस्ट लव बाइक्स एंड राइडिंग बाइक्स, तो मेरे लिए तो भाई इट इज़ लाइक अ थेरेपी, मतलब सुबह सुबह बाइक लेके आराम से निकल जाओ, या जब भी आपको टाइम मिले तो आधा एक घंटे या छोटी सी राइड आराम से अपनी बाइक लेके निकल जाओ एंड आराम से राइड करो, चिल करो, फन करो, फिर उसके बाद जो है वापस बैक टू वर्क। और लाइफ तो ऐसी चलती जाती है भाई, अपनी खुद के शौक और खुद की हॉबीज़ के लिए जो है वो टाइम निकालना पड़ता है भाई। सो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको करने में मज़ा आता है उसके लिए टाइम जो है वो खुद को निकालना पड़ेगा, और किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। जो चीज़ सोच ली ना भाई करनी है वो चीज़ करनी है, एंड टाइम वेस्ट ना करो जो दिमाग में आता है, बिकॉज ये जो एज होती है ना जिस टाइम हम यंग होते हैं ये एज ऐसी है कि अगर इस टाइम पे हम ठंडे पड़ जाएंगे ना तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। सो इसलिए जो भी चीज़ आपको समझ में आती है, जो भी करने का दिल होता है, और पुट्ठी सीधी चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं इसलिए कहीं ये ना बोला कि पुट्ठे सीधे काम जो है वो कर लो, सीधे ट्रैक के काम जो भी आपको लगता है आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो या जिस चीज़ में आपको करके रिस्क लेना चाहिए जो कि फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो बेझिझक भाई वो चीज़ कर लिया करो एंड रिस्क थोड़ा सा ले लिया करो, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यार जब तक हम कुछ न्यू ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हमें न्यू चीज़ें डिस्कवर कैसी होंगी। सो जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज़ हाउ इट गोज़, अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो भाई करनी है, जैसे मर्जी करो, वो आपकी हेडेक है किसी और की हेडेक नहीं है, एंड टेस्ट एंड ट्रायल वाला काम है अपनी लाइफ में, तो जब तक आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहोगे टेस्ट एंड ट्रायल करते रहोगे तब तक लाइफ आपकी जो है वो ऊपर के ट्रैक पर रहेगी, और जिस दिन आप टेस्ट एंड ट्रायल्स करने बंद कर दोगे और एक्सपेरिमेंट्स करने बंद कर दोगे न्यू चीज़ें ट्राई करनी बंद कर दोगे उस दिन आपकी लाइफ जो है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल होनी शुरू हो जाएगी,
और आप कुछ कर नहीं पाओगे। बाकी ये है भाई 36 सेक्टर की मार्केट, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मार्केट है। बाकी यार अपने चैनल पे मैं एक और जो है सुपर बाइक बता चुका हूँ कि आ चुकी है, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लास्ट डे ऑफ सिंगापुर में आपको थोड़ी सी मैंने उस बाइक की झलकी दिखाई थी, अभी मैंने बाइक रिवील नहीं करी है। एंड वो बाइक जो है मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मतलब मज़ा आ जाएगा भाई, बहुत से ऐसे राइडर होंगे जिन्होंने कभी भी उस बाइक के बारे में ना सुना होगा और लाइव तो वो बाइक कभी देखी नहीं होगी, बिकॉज इंडिया के अंदर वो सिर्फ 7-8 बाइक्स हैं एंड इट इज़ वेरी 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 रेयर टू फाइंड सच अ ब्यूटी जो कि हमारे गैरेज में आ चुकी है। सो उसके ऊपर भी जो है ये चेक हो तेरी भाई साहब, कुत्ते पड़ रहे हैं सड़क पे देख रहे हो, मतलब हद हो गई यार, चलते चलते काटने को आ रहा है, फुल तेज स्पीड में आया हाँ तो मैं जो बात कर रहा था वो भाई डॉग ने मिस करा दी सो लेजेंडरी मशीन है, बहुत से राइडर्स ने बाइक वो नहीं देखी होगी एंड वो बाइक जो है हम बहुत जल्दी रिवील करने वाले हैं। भाई सुबह सुबह कुत्ते जो है बदमाशी कर रहे हैं, मतलब ये देखो कहाँ खड़े हैं महाराज और ये चेक करो क्या बात है, रिएक्शंस चेक कर रहे हो भाई, क्या जबरदस्त है बच्चों के, मतलब सुबह सुबह बच्चे जो है वो लिटरली खुश हो जाते हैं ऐसी बाइक्स देख के। एंड बूसा भाई क्या बोले, खुशियों की दुकान है जी, खुशियों की दुकान है, लोगों के चेहरे पे मीठी मीठी स्माइल आ जाती है इस बाइक को देख के, जैसे कि हमें चलाने में मज़ा आ रहा है वैसे ही लोगों को देखने में मज़ा आता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर यार एक टाइम था जिस टाइम पे मैं इस बाइक की ड्रीम किया करता था, मतलब आई नेवर थॉट कि ये बाइक मैं कभी ले पाऊंगा, बट हाँ कोशिश पूरी थी, कहते हैं ना इरादे मजबूत तो बंदा और ज़्यादा मजबूत तो वैसा सिनेरियो था भाई मेरा, इरादे बहुत मजबूत थे एंड मैंने बहुत टाइम वेट किया है, मतलब 3-4 साल वेट किया है इस मशीन को ओन करने के लिए, मेरी फर्स्ट सुपर बाइक को ओन करने के लिए। एंड बहुत ही अमेजिंग मशीन है, मतलब मज़ा सा आ जाता है इस बाइक को जब भी राइड तो छोड़ ही दो यार, मतलब घर पे खड़ी हुई भी देखते हैं ना तो देख के दिल खुश हो जाता है। एंड ऐसी जैसे हम भी देख के खुश हुआ करते थे, हमारे टाइम पे यार इतनी ज़्यादा बाइक्स हमें देखने को नहीं मिलती थी, हम थोड़े से शाये भी थे तो हम जाके किसी भी सुपर बाइक ओनर से बात नहीं करते थे ना फोटोज़ क्लिक करते थे, और उस टाइम पे ज़्यादा बाइक्स थी भी नहीं। अगर हम प्रैक्टिकली कंपेयर करें आज के टाइम से तो अब तो भाई बहुत ज़्यादा बाइक्स हो चुकी हैं एंड इस टाइम पे इंडिया के अंदर मतलब ये सुपर बाइकिंग में तो बूम आ रखा है, लिटरली इतनी ज़्यादा बाइक्स बिक रही हैं और एक से एक बाइक, मतलब भाई महंगी से महंगी बाइक 40 लाख 50 लाख सब तरह की बाइक्स जो है वो ले रहे हैं लोग एंड इन्जॉय कर रहे हैं। सो इस टाइम इंडिया की जो सुपर बाइकिंग गेम है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, और ये चेक करो भाई साहब बाइक्स क्या बात है जी, क्या बात है, सो ये आगे चल रही है 10R। ये बाइक भी बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब बड़ी प्यारी सी लगती है ये बाइक, और ये लोग तो राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, मतलब ये लोग जाएंगे अम्बाला वाली साइड आज राइड करने, तो ऐसी है भाई चंडीगढ़ की सुपर बाइकिंग जो है गेम वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, एक से एक बाइक्स आ चुकी हैं और हम भी जो है वो फुल ऑन धमाल मचाने वाले हैं। अब राइडिंग सीजन जो है वो शुरू हो गया है, तो अपने सारे ग्रुप के मेंबर जो हैं भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने कपड़े कुपड़े जो है कस लो, बाइकें बुइकें पॉलिश कर लो और तैयारी कर लो, इस बार फुल ऑन धमाल मचने वाला है। मतलब इस बार पूरा सोचो भाई कि विंटर सीजन राइडिंग सीजन जो है वो पूरा अच्छे से इंजॉय करेंगे एंड अच्छे से जो है बाइक्स राइड करेंगे और इन प्यारी प्यारी मशीन्स का जो है पूरा पूरा लुत्फ़ उठाया जाएगा।
और ये देखो भाई साइकिल पे बच्चे सुबह सुबह निकले हुए हैं, क्या बात है। और ये देख के अच्छा सा लगता है यार, मतलब बच्चे सुबह राइड कर रहे होते हैं ना और इंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। हम भी छोटे थे तो उस टाइम हमें कुछ नहीं पता होता था, मतलब ये बाइक्स का, गाड़ियों का, किसी भी चीज़ का नहीं पता था। साइकिल ही हमारे लिए जो है वो हायाबूसा थी भाई। और पूरे दिन, मतलब दोपहर के टाइम भी कड़कती धूप है सिर पर हमने रेल बनाई होती थी साइकिल की, तो मज़ेदार था भाई वो टाइम भी। एंड वो टाइम तो देखो वापस आ नहीं सकता। और ये भाई ज़ेबरा क्रॉसिंग के आगे खड़े हैं, तो इनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ कैमरे लग चुके हैं। एंड अगर आप ज़ेबरा क्रॉसिंग से आगे भी खड़े हो तो भी आपका चलान जो है वो आ जाएगा ऑनलाइन, इसलिए अगर खड़े होना ही है। ये भाई की अब देखो कोई गलती नहीं है, ये लाइटों पे पूरा खड़ा हुआ था, बट चक्कर क्या है ये ज़ेबरा क्रॉसिंग से आगे खड़ा था, सो कोई पॉइंट ही नहीं है भाई। अगर तो खड़े होना है तो ज़ेबरा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हो, वरना आगे खड़े होने का क्या फ़ायदा है, चलान तो फिर भी आ जाएगा। और चंडीगढ़ में फुल ऑन कैमरे वैमरे जो है वो लग गए हैं, सो इसलिए ध्यान से राइड किया करो, वरना ऑनलाइन चलान जो है वो आपके घर पर आते जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। जिस दिन आप ऑनलाइन चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने चलान इकट्ठे हो रखे हैं। और ये चेक करो जी, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, मतलब चंडीगढ़ में कोई जगह नहीं बची यार जहाँ कैमरे ना हों। और ये आ चुका है सेक्टर 22, और चंडीगढ़ का बड़ा ही फेमस सेक्टर है सेक्टर 22। और बेसिकली अगर आपको लोकल शॉपिंग करनी है ना, मतलब सस्ते कपड़े कुपड़े ये वो लेने हैं, तो आप सेक्टर 22 में आ सकते हो। एंड यहाँ पे जो है बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि आपको अच्छे खासे कपड़े, ट्रेंडिंग कपड़े, नॉन ब्रांडेड बट ट्रेंडिंग कपड़े जो है सेल करते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जाके पूरा बाजार अंदर, सो आप आ सकते हो अगर आप यहाँ चंडीगढ़ में रहते हो एंड सेक्टर 22 में से जो है शॉपिंग कर सकते हो। ये देखो कलाकार, क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड, ऐसे ही तो लोग चाहिए हमें। मतलब इनोवा जैसी इतना बड़ा गाड़ी लेके खड़ा है और उसको रोड के बीच में यूँ टेढ़ा लगाया हुआ है। तो ऐसे से भी लोग हैं भाई चंडीगढ़ में, ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ में सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यार बाहर की सिटी से आते हैं, उनको भी चलो एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज दे डोंट नो फ्यू रूल्स, उनको नहीं पता होता कि कौन सी लाइट पहले लेफ्ट की होगी, कौन सी सीधी की होगी, उनका मानना जा सकता है कि चलो उनसे भी गलती लगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यहीं पे रहते हैं और उन्हें सब पता होता है, बट फिर भी उनके दिमाग मतलब यूज़ ही नहीं करते यार। एक होता है ना दिमाग खुद बंद कर देना कि क्या करना है, सड़क पे चल रहे हैं, आगे आगे देख के चलो। सो ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जो कि कुछ भी परवाह नहीं करते वो कहाँ को खड़े हैं कहाँ को नहीं खड़े। तो बाइक ना भाई मैंने रिसेंटली सर्विस और ये वो कराया था, एंड बाइक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, मतलब चलने में भी एकदम स्मूथ हो रखी है। ऊपर से जो ब्रेकिंग वगैरह ना भूसा में, देखो लोग बोलते हैं कि ब्रेकिंग का थोड़ा सा इशू है या ऐसे है वैसे है, भाई इट्स अ हैवी मशीन। अगर आप इस बाइक को लीटर ग्लास से कंपेयर करोगे तो कोई मुकाबला नहीं है। एंड जितनी हैवी मशीन ये है ना भाई, थोड़ी सी ब्रेकिंग इसकी कम है मैं मानता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भूसा रुकती नहीं है, सब रुकता है, रोकने वाला चाहिए। सो अब हम एंटर हो चुके हैं भाई सेक्टर 15 चंडीगढ़, और इसके बिल्कुल साइड पे जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ की। बाकी ये देख लो, ये पूरी जो है ये मार्केट है सेक्टर 15 की, और अभी तो फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है, बट यहाँ पे जो है ना भाई थोड़े टाइम बाद अगर आप आओगे तो पूरी चहल पहल दिखेगी। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स और बच्चे होते हैं, यहाँ पे भरमार लगी होती है बच्चों की। और ये जो सारी शॉप्स आप देख रहे हो अब, ये सारी जो है बेसिकली क्लोथ्स वगैरह की शॉप है, सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग कपड़े मिलते हैं। हाँ अगेन आई एम सेइंग कि नॉन ब्रांडेड मिलते हैं, अगर किसी को भी मतलब नॉन ब्रांडेड लेने हैं तो वो भाई यहाँ 15 सेक्टर की मार्केट से ले सकता है, काफ़ी आपको रंग बिरंगे और अतरंगी कलेक्शन जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे। ये बाकी ये व्यू देख लो, मतलब एक गॉड क्रिएटेड टनल होती है ना वैसी सी बन गई है पूरी ट्रीज़ की, और चंडीगढ़ में ऐसी है यार, बड़ा मज़ा आता है। और अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो फिर तो भाई आपके लिए चंडीगढ़ बेस्ट है, मतलब एक बार चंडीगढ़ ज़रूर आना,
एंड यू विल फॉल इन लव विद इट। बहुत ही ज़बरदस्त शहर है और पेड़ देखोगे ना यार, ऐसी कोई सड़क ही नहीं है भाई जहाँ पेड़ नहीं है। मतलब हर जगह जहाँ मर्जी बोल लो, जैसे देख लो कहीं पे भी देख लो, और ये सामने आ चुका भाई सेक्टर 17 चंडीगढ़ का जो दिल है वो है सेक्टर 17 जी। तो 17 की मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पे डांस चल रहा है। वाह जी वाह वाह वाह। और आज कुत्ते पता नहीं क्यों पागल हो रखे भाई, हर एक कुत्ता जो है वो मेरी ही लात पकड़ने को घूम रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है यार। मे बी साउंड की वजह से जो है वो डॉग्स ऐसा रिएक्ट करते हैं। और ये एक बार लोकेशन चेक करो यार, मतलब पीछे जो है वो फुल ऑन पेड़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। और यहाँ बाइक रोकते हैं और आपको एक बार बाइक दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त लगती है अपनी। सो ये चेक करो भाई क्या लोकेशन है और क्या ही बाइक लग रही है। स्पेशली ये जो कलर है ना बहुत ज़बरदस्त है, एंड इस पर मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो है वो करवाई हुई हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। बाकी डिटेल्स में अभी बात नहीं करेंगे इस चीज़ की, क्योंकि जितनी सारी मॉडिफिकेशन है ना ये पूरा एक वीडियो बन जाएगी 15-20 मिनट की, इतना काम हो चुका है इस बाइक पे। एंड इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं सोच रहा हूँ बना ही दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। एंड कुछ लोगों के जो है वो मुझे कमेंट्स भी आए थे कि भैया बाइक के ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, हम देखना चाहते हैं कि आपने बाइक पे क्या क्या कराया, और अच्छे से बताओ हमें कि बाइक पे कौन कौन सी मॉडिफिकेशन और एसेसरीज लग चुकी हैं। बाकी अंडरपास में बात सुनो, मतलब दहाड़ती है ये बाइक ना, और इस बाइक की आवाज़ पता नहीं वीडियो में कैसी आती है या नहीं आती, बट अगर आप लाइव सुनोगे ना ये बाइक तो भाई बहुत ही प्यारी आवाज़ है। और इनलाइन 4 की आवाज़ ना वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती है। सही है, आवाज अच्छी आ रही थी। मैं क्या आवाज अच्छी आ रही थी, पटाखे मार रहा हूँ। सही है, चलो ठीक है। तो देख रहे भाई रिएक्शन, खुशी देख रहे चेहरे पे यार। देखो ऐसे ही होता है, हर बंदा जो है ना आज की डेट में इंसान वो खुशी का भूखा है। मतलब प्यार से बात कर लो इंसान खुश हो जाता है। एंड क्या कमाल के इंसान मिले हमें सुबह सुबह, मतलब चेहरे पे स्माइल लेके। और भाई ने जो है क्या कमेंट किया, कह रहा पटाखे मार रही थी। ओहो, और ये देखो इंडिकेटर दिया, ये मोड़ कहाँ से रहा है। ओ भाई सुबह सुबह कोई नहीं है सड़क पे, फिर भी लोग पागल हो रखे हैं। मतलब इनको लाइसेंस किसने दिए मुझे तो ये नहीं समझ आता, कोई भी मुंह उठा के गाड़ी बाइक उठा रहा है और चलाने लग जा रहा है। इनके लाइसेंस जो है ना भाई वो चेक होने चाहिए सबके, मैं तो कहता हूँ, और सबका एक बार दोबारा से प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से लाइसेंस जो है वो ऐसे ही बने हुए हैं, लोगों को बेसिक जो कॉमन सेंस है ना ड्राइव करने की वो है ही नहीं। भाई अब वीडियो तो देखो बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है, मतलब उम्मीद तो यही है कि अच्छी बनी होगी, बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये GoPro जो है ना ये बड़ा धोखेबाज है, ये भी इसका कुछ नहीं पता कब ये वीडियो उड़ा दे, कब ये ऑडियो कैप्चर ना करे। सो उम्मीद तो यही है, अब घर जाके जब देखेंगे एडिट करते टाइम, आई होप कि साउंड और वीडियो जो है वो अच्छी आई हो, कहीं ऐसे ना हो कि सारी मेहनत जो आज करी है वो बर्बाद हो जाए। एंड जितना मज़ा मैं ले रहा हूँ भाई, अब आप लोगों को मैं वो वर्चुअल एक्सपीरियंस तो दे ही सकता हूँ, सो दैट आप भी घर बैठे बैठे जो है वो मज़े उठाओ वीडियो देख के। तो जी अब समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बाकी बहुत ही अमेजिंग राइड थी, छोटी सी राइड थी बेसिकली चंडीगढ़ की, प्लान तो लंबी राइड का था जैसे कि मैंने बताया, बट वो जो है अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए।
सो कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है ये सब. एंड फॉर व्हाटसोएवर रीजन, इफ यू लाइक द वीडियो, तो आप सबको पता है भाई क्या करना है. आपको करना है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, सो दैट हमें भी देख के थोड़ा सा मजा आए कि आप सब जो है वो सपोर्ट कर रहे हो. एंड इससे क्या है यार, एक बूस्ट सा मिलता है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अगर आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ या आप सबको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हो. बाकी इस वीडियो को इतना ही रखेंगे. एंड अब एंड में जो है आपको एक छोटा सा ट्रैक जो है वो दिखा देते हैं क्योंकि सड़क मेरे आगे बिल्कुल खाली है. सो लेट्स गो एंड वी एंड दिस वीडियो ओवर हियर. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ गाइस.